मेरे हिसाब से तो बाबा अलाउद्दीन खान साहब एक अवतारी पुरुष थे, और जो संगीत के लिए उन्होंने जो उनका कंट्रीब्यूशन है, पहली बात तो ये कि जिस तरह से उन्होंने सीखा, जो जिस जो साधना उन्होंने की है और जो स्ट्रगल उन्होंने किया, वो पूरी तरह से संगीत को समर्पित थे। और जैसा कि आपने कहा कि कई वाद्य वो बजाने में पारंगत थे, और यही नहीं, उन्होंने इतने सुंदर कलाकार, उनके जो शिष्य है मेहर से, जो मेहर की परंपरा से जो बड़े बड़े कलाकार निकले, जो संगीत जगत के स्तंभ हैं, वो बाबा की ही देन, बाबा के ही तराशे हुए हीरे हैं एक तरह से कहा जाए तो निश्चित ही जो बाबा एक बहुत ही विराट उनका व्यक्तित्व है, सांगीतिक व्यक्तित्व बाबा का बहुत ही विराट है। और मेरे ख्याल से ऐसा कोई एस्पिरेंट नहीं होगा, ऐसा कोई कलाकार नहीं होगा सीखने जिस जिसके अंदर ये लालसा ना हो कि थोड़ा सा कुछ अंश बाबा का, अगर क्या जो इतना विराट व्यक्तित्व है, उसका कुछ भी, अगर थोड़ा सा भी हम संगीत का कुछ भी पा जाए और सीख ले, तो निश्चित ही जीवन सफल हो जाएगा। और उतना भी कर पाने के लिए मुझे लगता है कि जैसी साधना बाबा ने की है, वो हम तो अभी कहीं भी नहीं पहुंचे, और वो हम थोड़ा सा भी उसको ग्रहण कर पाए और उस तरह की साधना हम भी कर पाए, सीख पाए, तो ये बहुत बड़ी ईश्वर कृपा होगी और गुरु कृपा होगी। मुझे लगता है कि संगीत में मेरा आना, संगीत के साथ जुड़ना, ये ईश्वर की कृपा से हुआ है, क्योंकि मैं सांगीतिक परिवार से नहीं, आई डोंट बिलोंग टू अ ट्रेडिशनल फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस। तो मेरा जो परिवार है उसमें सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और
तरह के ही सभी लोगों ने पढ़ाई की और इसी तरह का काम भी सब कर रहे हैं। तो मेरा संगीत में आना एक बहुत ही ये ईश्वर कृपा के कारण ही हो पाया है। और जब मैं छोटी थी तब हमारे स्कूल में एज अ हॉबी मुझे सितार जो है बहुत ही आकर्षित किया। ये वाद्य मुझे बहुत छुटपन में 9 साल की उम्र में मुझे एज अ हॉबी के लेने का बहुत सुअवसर प्राप्त हुआ। और जब मैंने उसका एक कारण ये भी था कि संगीत से जो भी बच्चे जुड़े हुए थे मेरे साथ के उनको स्टेज पर प्रस्तुतियां देने का अवसर प्राप्त होता था स्कूल के एनुअल फंक्शन में। तो ये मेरे लिए बहुत ही एक अट्रैक्टिव सी बात थी कि मैं भी स्टेज पर जाकर बजा पाऊँ ऑडियंस के सामने। तो यहाँ से मेरे मन में इच्छा हुई और वो अवसर भी प्राप्त हुआ कि मैं सितार सीख पाऊँ स्कूल में। और क्योंकि सितार मैंने स्कूल में सीखने की अपनी इच्छा जाहिर की तो जाहिर सी बात है तो कि घर में भी अगर रियाज के लिए सितार नहीं है तो कैसे मैं आगे अपनी शिक्षा बढ़ा पाती। तो इसलिए मैंने जिद कर कर अपने माता पिता से एक सितार लेने की भी मैंने जिद की और इस तरह से सितार मेरे पास आया और वहां से शुरुआत हुई। और फिर मेरी माता जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है मेरी इस सांगीतिक जो यात्रा है उसको आगे बढ़ाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने ये देखा कि मेरे अंदर बहुत कुछ मैंने सीख नहीं पाई थी स्कूल में इतना कुछ सीखने का मौका नहीं मिला। हफ्ते में एक दिन कभी क्लास होती थी और ऐसा कोई विधिवत सीखने का मुझे अवसर नहीं मिल पा रहा था लेकिन मैं खुद से प्रयास करती थी बजाने का। छोटी छोटी धुनें मैं अपने आप स्कूल के लिए माँ 5 बजे उठाती थी तो उठते ही पहले मुझे सितार मेरे कमरे में सितार रहता था तो मेरे को बिल्कुल इच्छा होती थी कि मैं सितार बजाऊं पहले और स्कूल के लिए तैयार बाद में हूँ। तो वहां से मेरी माँ ने ये नोटिस किया कि हाँ मेरे अंदर शायद एक प्रतिभा है जिसको आगे मौका मिलना चाहिए बढ़ने का। तो उन्होंने मेरे लिए एक अच्छे गुरु की खोज प्रारंभ की और वहीं से कानपुर में पंडित सतीश चंद्र जी उनके साथ मुझे उनके सानिध्य में सीखने को मिला और उन्होंने बहुत ही प्यार से और दिल खोल के उन्होंने मेरे को सितार की शिक्षा दी। बीच में कुछ गैप भी आया 3-4 साल का लेकिन 12-13 वर्ष की आयु से मेरा एक विधिवत जो तालीम है वो उनके सानिध्य में शुरू हुई। और उसके बाद हम जब दिल्ली आए तो पंडित उमा शंकर मिश्र जी जो कि मेहर के बहुत वरिष्ठ कलाकार है उनसे मुझे सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। जी आपने बिल्कुल सही बात कही है मेरे गुरुजी के बारे में। पंडित विश्वमोहन भट्ट जी से मैं आपको बताना चाहूंगी। उनका हालांकि उनको मैं बचपन से सुनती आ रही थी और इतने बड़े कलाकार हैं वो और उनका जो संगीत है इतना 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 सुंदर संगीत है उनका। तो बहुत कुछ बचपन से सुनते सुनते उनको फॉलो करने का और सीखने का हमेशा से प्रयास रहा। तो सितार की जो विधिवत जो मेरी टेक्निक है या रागदारी है सितार की विशिष्ट तकनीक होती है वो तो मैंने अपने गुरु पंडित सतीश चंद्र जी और पंडित उमा शंकर जी से मुझे सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन जब 2011 में मेरे गुरु जी पंडित उमा शंकर जी शंकर मिश्र जी का निधन हुआ उसके बाद मुझे लगा कि अभी भी मतलब जैसे मन में एक लालसा थी कि नहीं अभी और सीखना है। और गुरु के जाने के बाद हालांकि गुरु का आशीर्वाद हमेशा एक शिष्य के साथ रहता है लेकिन जो एक फिजिकल प्रेजेंस गुरु की होती है वो उसका एक अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो मेरे मन में ये था कि मुझे आगे अपने संगीत की शिक्षा को आगे और बढ़ाना है। तो ये सिलसिला जब चलता रहा तो मैंने पिछले 2 साल से पंडित विश्वमोहन भट्ट जी से विधिवत सीखने का मेरी जो तालीम है उनके सानिध्य में प्रारंभ हुई। और हालांकि मैं के संगीत को जैसा मैंने कहा बहुत सालों से सुनती भी आ रही हूँ और उनको मैं मुझे मेरा बहुत परम सौभाग्य था कि बहुत सालों से मैं उनको जानती भी थी कि उनके कॉन्सर्ट्स में आना जाना। और बहुत जैसा कि आपने कहा कि वो किसी को भी मिलते हैं तो इतने ज्यादा वो सरल हैं और जो उनका व्यक्तित्व एकदम सिंपल
पर्सन है और इतने बड़े कलाकार हैं वो, लेकिन वो कभी भी ये चीज जाहिर नहीं होने देते और हम तो कुछ भी नहीं उनके सामने। लेकिन जब भी शुरू से जब भी उनसे जब भी मिलना होता था तो इतने सरलता से और इतने प्यार से वो मिलते थे। तो यहाँ से आई थिंक वो जो जुड़ाव था मेरे मन में और उनके लिए जो उनके संगीत के प्रति और उनके प्रति जो आदर था मेरे मन में, वो फाइनली वो जाके इस तरह से अब जो मेरी उनके उनके साथ जो गुरु और शिष्य वाला संबंध वो भी अब बन पाया है। तो उनसे मैं हमेशा उनको यही बात कहती हूँ कि ना केवल उनका संगीत पर उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है, जो सिंप्लिसिटी है उनकी, जो ह्यूमिलिटी है उनके अंदर, इतना बड़ा कलाकार होने के बाद भी ये चीज हम सबको सीखनी चाहिए। क्योंकि तो अगर कलाकार का मन अच्छा नहीं है या उसके अंदर किस सिंप्लिसिटी और ह्यूमिलिटी नहीं है तो उसके संगीत में भी वो क्वालिटी शायद आ नहीं पाएगी। तो ये चीज मैंने हमेशा उनकी देखी है कि बहुत ही जेनरसली, एक तो वो सिखाते हैं बहुत जेनरसली, कभी वो समय नहीं देखते। अगर वो ट्रैवल भी कर रहे होते थे और अगर एयरपोर्ट पे वो अपनी फ्लाइट के लिए वेट भी कर रहे हैं और अगर मैं उनको मैसेज करती हूँ तो तुरंत उनका रिस्पॉन्स आता था, तुरंत वो वहां पे कुछ मुझे अपनी ऑडियो क्लिप भेज देते थे। और सीखने का जो सिलसिला है वो मेरा, मतलब समय नहीं बर्बाद करना है, जो समय मिले उसी में कुछ ना कुछ सिखा दूं मैं, ये हमेशा से उनका एक अप्रोच रही है। और कभी भी उन्होंने, मतलब जब भी, बहुत अप्रोचेबल है वो, कभी भी हमारा मन हो उनसे बात करने का हम हमेशा उनसे बात कर सकते हैं। कोई ऐसा, मतलब आप बहुत कंफर्टेबल बना देते हैं वो, इतने बड़े कलाकार हैं लेकिन यही उनकी जो सहजता और सरलता है वो बहुत ही अपील करती है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं मियाँ मल्हार में आपको छोटा सा आलाप सुना के एक बंदिश सुनाती हूँ। और ये बंदिश मेरे दादा गुरु जी पंडित रविशंकर जी ने बनाई है और उनका, उन्होंने ही मतलब बहुत सुंदर इसका, इसको सुंदर तरीके से बढ़ता भी है। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है, हालांकि उनकी बनाई हुई बंदिश बजाना आसान नहीं है, तो हो सकता है मुझसे गलतियां हो जिसकी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मेरा एक छोटा सा प्रयास है। मैं मियां मल्हार में एक ध्रुव बंदिश और उसके पहले थोड़ा सा अलाप आपसे।